कल हमने प्रथम अध्ययन को देखा था, भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो अंतिम वाणी है, उत्तराध्ययन सूत्र, जिसके प्रति हम सभी का अत्यंत प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। और जब भी उत्तराध्ययन सूत्र का नाम आता है, सभी का मन आनंद से भर जाता है। और वही स्वाध्याय इन दिनों हम करने जा रहे हैं। कहते हैं, कड़वी बादाम चाहे जब खाओ खारी लगेगी। बादाम को कड़वी कहते हैं हिंदी में। कड़वी बादाम चाहे जब खाओ खारी लगेगी, भीगी कंबल चाहे जब उठाओ भारी लगेगी। चंद्रमा की कलाएं कभी भी देखो न्यारी लगेगी, कभी भी देखो न्यारी लगेगी, परंतु भगवान की वाणी कभी भी सुनो वो प्यारी ही लगेगी, वो प्यारी ही लगेगी। उत्तराध्ययन सूत्र हर साल सुनते हैं, पर हर साल सुनने की वापस क्या होती है, मन में इच्छा होती है, भावना होती है कि उत्तराध्ययन सूत्र को सुने। और जब भी सुनते हैं तो नए नए अर्थ उसमें से हमें प्राप्त होते हैं, नया कुछ ना कुछ हमें मिलते रहता है। ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र की जो स्वाध्याय है, जो अर्थ है, जो भगवान ने हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में अपने अंतिम उपदेश में, अंतिम समवशरण में जिस बात को कहा, वो हमारा उत्तराध्ययन सूत्र कहलाया। और वो उत्तराध्ययन सूत्र जब भगवान कह रहे थे, वो समवशरण लगा हुआ था और उसकी अनुपम अद्भुत छटा चारों ओर बिखर रही थी। कहते हैं, जब समवशरण लगता है तो उसकी रचना कौन करते हैं? देवी देवता करते हैं। उसमें चांदी, सोना और हीरे के से 3 कोट होते हैं और अनंत असंख्य भक्तगण उसमें बैठकर प्रभु का प्रवचन सुनते हैं। और सुनते समय वहाँ पे क्या होता है कि मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात और संतानक आदि 5 प्रकार के फूलों की वर्षा उस समवशरण में लगातार होती रहती है। क्योंकि वो समवशरण कैसा है, देवताओं के द्वारा निर्मित होता है, तो देवताओं की एक माया ऐसी भी होती है कि उस समवशरण में 5 प्रकार के फूल गिरते रहते हैं और मंद सुगंधित पवन बहते रहता है, वातावरण एकदम सुरभित रहता है, सुरम्य रहता है। और उस शांति भरे वातावरण में भगवान के मुख से शब्द रूपी फूल खिरते हैं, झरते हैं और वो भक्तगणों के हृदय को क्या करते हैं, अपने भावना से भर देते हैं। और ऐसा ही उपदेश प्रभु महावीर अपने समवशरण में दे रहे थे। और पहला संदेश उन्होंने दिया कि जीवन की शुरुआत किससे होनी चाहिए, विनय से होनी चाहिए। और दूसरा संदेश उनके मुखारविंद से निकला कि दूसरे अध्ययन का नाम क्या है, परिशह जय, परिशह के ऊपर विजय प्राप्त करो। परिचय, परिशह, प्रविभक्ति, यानि परिशह कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इसका संदेश देते हुए प्रभु महावीर ने दूसरे अध्याय में हमें प्रेरणा दी है कि परिशह यानि क्या, कष्ट को सहन करना। परिशह यानि क्या, कष्ट को सहन करना। परि यानि चारों ओर, अपन कहते हैं ना परिसर, परिसर यानी आजू बाजू का वातावरण, परि यानि आजू बाजू के जो कष्ट है उसको सहन करना, सह यानि सहन करना और परि यानि आजू बाजू से आने वाले कष्ट को सहन करना, उसे परिशह कहा जाता है। यानि भगवान ने दूसरी प्रेरणा क्या दी है कि सहनशील बनो। पहले क्या कहा, विनयवान बनो। और दूसरी प्रेरणा आज हमारे सामने क्या आई है कि सहन शक्ति बढ़ाओ, सहन करने की ताकत बढ़ाओ। और जिसकी आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आजकल सब कुछ आदमी करता है पर वो सहन नहीं कर सकता। एक गुरु के सानिध्य में शिष्य उपस्थित हुआ और शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप कहते हैं कष्ट को सहन करो, कष्ट को आस्ते आस्ते स्वीकार करो, पर कष्ट क्यों सहन करना,
क्या पूछा उसने गुरु को, कष्ट क्यों सहन करना, क्योंकि आजकल तो सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। अगर हमें गर्म पानी चाहिए तो हीटर है, अगर गर्मी लग रही है तो कूलर है, अगर हमें कुछ गर्म चीज बनानी है तो उसके लिए क्या है हमारे सामने, माइक्रोवेव है, गैस है, और भी चीज़ें हैं। अगर हमें ठंडी से ठंडी चीज़ खानी है तो फ्रिज उपलब्ध है। अगर कहीं जाना है तो हमारे घर के आगे कार खड़ी है। अगर हमें कहीं समाचार देना है तो हमारे हाथ में क्या है, मोबाइल है, मोबाइल है। और अगर हमारे घर में कोई रसोई बनाने वाला भी नहीं है और हमें अगर खाना खाना है तो हमारे मोबाइल के ऊपर भी क्या है, ऐप आ गए हैं, एप्लीकेशन आ गए हैं। एक जोमेटो एक स्विगी को ऑर्डर कर दो तो घर बैठे क्या हो जाता है, खाना आ जाता है। तो हे गुरुदेव, आज के जमाने में इतनी सुख सुविधा उपलब्ध है तो फिर कष्ट क्यों सहन करना, क्यों कष्ट को आमंत्रण देना। तो गुरु ने कहा कि कष्ट को आमंत्रण भी नहीं देना है और कष्ट को इसके लिए सहन करना है कि हमारी ताकत बढ़े, क्योंकि जितनी जितनी सुख सुविधा का हम उपभोग करते हैं उतने हम कमज़ोर बन जाते हैं, हमारे भीतर कमजोरी आने लग जाती है। और फिर वो चीज़ नहीं मिली तो फिर हमें सहन होता नहीं है। इसके लिए कष्ट को क्या करना होता है, सहन करना होता है। आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें सहन करना चाहिए। तब शिष्य के ध्यान में आया कि अरे, सहन शक्ति बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं परिशह किसे कहते हैं, विशिष्ट परिस्थिति की उपस्थिति होना, विशेष प्रकार की परिस्थिति का उपस्थित होना ये परिशह कहलाता है। जैसे देखो, देखते देखते परिस्थिति बदल जाती है। अभी अभी अच्छा विश्व में शांति थी, पर अचानक क्या हो गया, यूक्रेन में युद्ध चालू हो गया। यूक्रेन कितना सुख सुविधा शांति संपन्न देश था, इतनी ज़्यादा सुख सुविधा वहाँ पे थी, और अचानक युद्ध चालू हो गया और वहाँ की सारी सुख सुविधा क्या हो गई, नष्ट हो गई। और देखते देखते इजराइल, और अभी कहाँ पे युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, कितने शांति से लोग रह रहे थे, पर अचानक युद्ध चालू हो गया और कितनी ज़्यादा कष्ट वहाँ पे लोगों को अभी सहन करने पड़ रहे हैं। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई ठंडी से तकलीफ पा रहा होगा, कोई गर्मी से तकलीफ पा रहा होगा। तो परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती है, इसके लिए हमेशा सहन करने की शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। और भगवान ने कहा है कि मार्गा चवनार्थ परिशोढव्या परिशहाहा, हमको अगर साधना करनी है और साधना को अखंड रीति से आगे बढ़ाना है तो हमें कष्ट को सहन करने की ताकत प्राप्त करनी चाहिए। परिशह किसे कहते हैं कि मार्ग साधना कर रहे हैं, साधना करते करते साधना के बीच में अगर विघ्न आ जाए तो उस विघ्न को हम आगे हंसते हंसते पार कर सके, उसे क्या कहते हैं, परिशह जय कहते हैं। और जो परिशह के ऊपर विजय मिलाता है उससे दूसरा लाभ होता है, उसकी निर्जरा होती है। परिशह करने से दो लाभ होते हैं, मार्गा चवन यानी साधना अखंडित रहती है, और दूसरा क्या होता है कि उससे निर्जरा होती है। हमारे यहाँ पे 22 प्रकार के परिशह बताए गए हैं। पहला परिशय है कि भूख को सहन करना, परिशय 22 है, और पहला परिशय क्या है, भूख को सहन करना। अगर साधु बन गए, ये सारे परिशय किसके लिए है, साधु संतों के लिए बताए गए हैं। 22 प्रकार की आपको साधु बनने के बाद तकलीफ आ सकती है, 22 प्रकार के कष्ट आपको आ सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है, स्थिर रहना है, शांत रहना है और अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला परिशह कौन सा आएगा, शुद्धा परिशह यानी भूख लगेगी।
बाकी कुछ हो कि ना हो, आदमी को भूख तो लगती ही है, और भूख लगने के बाद उसे कुछ भी सहन होता नहीं है। एक बार ऐसा लगता है कि कुछ तो भी खाने को मिल जाए। पर जो साधु संत होते हैं वो बड़ी बड़ी विहार यात्राएं करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, उस समय रास्ते में घर होते नहीं है। उस समय बहराने वाले अभी तो शिवाजी नगर में विराजमान है, अभी तो पूना जैसे पुण्यवान शहर में हम विराजमान हैं। यहाँ एक कहो तो 10 चीज़ें सामने हाजिर हो जाती है, पर जब विहार करके जाते हैं पेट में भूख लगी हुई रहती है, आगे बहराने वाले घर नहीं होते हैं, उस समय भूख को सहन करना ये पहला परिश्रम है, और उस भूख को भी आनंद पूर्वक सहन करना है। भगवान कहते हैं कष्ट को आमंत्रण नहीं देना है। परिश्रम का अर्थ क्या है? कष्ट को आमंत्रण नहीं देना है, परंतु अगर कष्ट आ गया तो उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करना, यह परिश्रम का अर्थ होता है। तो कभी घी घना, साधु संतों को क्या होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना। ऐसी परिस्थिति साधुओं के जीवन में जब आती है तब उन्होंने समता धारण करनी चाहिए और अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए। इसके लिए पहला परिश्रम है शुद्धा परिश्रम, और हमारे इस शुद्धा परिश्रम को हमारे आनंद घनजी नाम के एक संत होके गए हैं, जिनका नाम ही क्या था, आनंद घन, जिनको हम स्वयं की आत्मा में अनंत आनंद की अनुभूति हो रही थी, और वो गांव शहर को छोड़कर जंगल में चले गए, और जंगल में जाके वो क्या कर रहे थे, अपनी साधना कर रहे थे। कभी तेला कर लेते, कभी अठाई कर लेते, परंतु अठाई होने के बाद भी पालना तो करना ही पड़ता है। अठाई हो जाती और वो क्या करते कि अपने गुफा में से साधना करते करते बाहर निकलते, और वहाँ पे जो छोटी छोटी टेकड़ियाँ बनी रहती, छोटे छोटे पहाड़ रहते, वहाँ पे लोगों की बस्ती रहती, वहाँ पे कुछ घर रहते, वहाँ पे वो क्या करते, गोचरी के लिए जाते, पारने के लिए देखते कि अभी 8 दिन पूरे हो गए हैं, पेट में कुछ तो भी हलचल होने लग गई है, तो चलो कुछ तो भी गोचरी लेके आए जाते। और एक बार वो अठाई का उनको पारना था और वो पहाड़ी पे गए, छोटे छोटे घर थे, रसोई वहाँ पे बन रही थी, पर कहीं पर भी सुस्त आहार उनको मिला नहीं। पूरे टेकड़ी के ऊपर उन्होंने चक्कर लगा ली पर कहीं पर भी आहार की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे गए और इधर से वापस चक्कर लगा के पहाड़ी को उतर गए, पर कहीं भी गोचरी का लाभ नहीं हुआ। तो पहाड़ी उतरते उतरते मन में एकदम से विचार आया कि अरे 8 उपवास तो हो गए, 9 उपवास करने का अवसर कब आएगा, अरे भगवान ने मुझे क्या कर दिया है, 9 उपवास करने का अवसर दे दिया है। और भगवान का भजन करते करते उस टेकड़ी से नीचे उतरे और वापस जाके अपनी गुफा में विराजमान हो गए। भूख को जो लगी थी, जो भूख लगी थी उसको देखने लग गए, और देखते देखते उनकी भूख क्या हो गई, शांत होने लग गई। वो वापस भगवान के भक्ति में अपने ध्यान में लग गए, और उन्होंने कहा कि ऐसा साधना करने का अवसर बार बार मिलता नहीं है, मुझे अवसर मिला है तो क्यों न मैं उसका लाभ उठाऊँ, और ऐसा करके वो साधना में लग गए। इसे कहते हैं परिश्रम के ऊपर विजय प्राप्त करना। ऐसे कभी प्यास लगती है तो प्यास लगने के बाद भी जब तक निर्दोष पानी नहीं मिलता है तब तक साधु संत पानी को वापरते नहीं है, उस प्यास को सहन करते हैं। और हमारे मेघ कुमार जो राजकुमार थे, दीक्षा धारण कर ली और भगवान के समोह शरण में चले गए, भगवान की शरण में चले गए, पर रात्रि के समय में उनको बराबर नींद नहीं आई, तो उनका संयम से मन क्या हो गया,
उचट गया कि अरे रात्रि के समय भी अगर नींद बराबर नहीं होती है तो साधना कैसी होगी, और भगवान को कहा कि भगवान मैं ये साधना नहीं कर सकता। तब भगवान ने उनको कहा कि पूर्व भव में कितनी साधना की है और अभी छोटे से तकलीफ से डर गए, छोटे से तकलीफ से हार गए, अरे अपने अंतर की शक्ति को जगाओ और साधना में वापस लग जाओ। पहला भव याद आया और वापस वो अपने कष्ट को सहन करके अपनी साधना में लग गए। इस तरह से साधक के जीवन में क्या होते हैं, कष्ट आते हैं और उनको सहन करना और आगे बढ़ना, ये साधक का क्या होता है, लक्ष्य होता है। और लक्ष्य किस लिए होता है कि मुझे आगे जाके अरिहंत बनना है, मुझे आगे जाके भगवान बनना है, मुझे आगे जाके तीर्थंकर बनना है, इसलिए वो कष्ट को क्या करते हैं, सहन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें कि साधु संतों के लिए तो 22 प्रकार के परिशह भगवान ने दूसरे अध्याय में बताए हैं, वो तो उनको सहन करना ही है, पर ये उपदेश हमारे श्रावकों के लिए भी बहुत लागू पड़ता है, क्योंकि जो श्रावक वर्ग होता है उनके जीवन में भी आए दिन क्या होते हैं, कुछ न कुछ प्रसंग घटते रहते हैं, कभी बीमारी आ जाती है, कभी घाटा लग जाता है, कभी बहु है वो मन जैसी घर में नहीं आती है, कभी कभी बड़े सौदे कर लेते हैं और एकदम से कफटका बैठ जाता है, उस समय लोग आत्महत्या का विचार कर लेते हैं, कभी उनको हार्ट अटैक आ जाते हैं, कभी उनको ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं, तो उस समय भगवान कहते हैं कि जो भी परिस्थिति सामने आती है उसमें थोड़ा सहन करना सीखो तो आप जीवन को आनंद से जी सकते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा घटस्फोट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा आजकल घटस्फोट हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं, कि सहन शक्ति का अभाव हो गया है, एक शब्द भी आगे वाले का व्यक्ति सहन कर सकता नहीं है। अगर साधना के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आदमी को दूसरी प्रेरणा, आज भगवान ने दूसरी प्रेरणा कौन सी दी है, सहनशील बनो, सहन शक्ति बढ़ाओ, तो जो सहन शक्ति बढ़ाता है वो टिक जाता है और जो टिकता है उसी को कुछ तो भी प्राप्त होता है। इसके लिए हमारे जितने भी राजकुमार थे, सेठ थे, साहूकार थे, उन्होंने भगवान का उपदेश सुना, उनके पास सब प्रकार की सुख सुविधा थी, परंतु उसका भी उन्होंने त्याग किया और धर्म के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर चले, और चलने के बाद जो भी कष्ट आया उनको सहन किया। और इसके लिए कहा है, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। आज दो ही बातें ध्यान में रखना है, दूसरे अध्ययन का नाम क्या है, परिशह प्रविभक्ति, आज दूसरा नाम याद रखना है। और परिशह कितने हैं, 22 प्रकार के होते हैं, और वो जैसे जैसे आगे भी समय आएगा वो आपके सामने रखते जाएंगे, तो आज दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरी प्रेरणा भगवान की है कि सहन शक्ति बढ़ाओ, तो ये सहन शक्ति हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसी शुभकामना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर शर जय।